रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान शाने रमजान शाने रमजान शाने रमजान शाने रमजान के करम वो करम की घटा गे सुए मुश्क सा लक्का अब्रे राफत पे लाखों सलाम लैलतुल कद्र में मतला इल फज्र हक मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर अहमद और नेमत इफ्तार का खुसूसी सेगमेंट सदाए हक मुकाबले हुस्न अज़ान आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हस्ब मामूल आज फिर से तीन नौजवान तलबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आज भी इंशाअल्लाह इस सेगमेंट में आप भरपूर अंदाज से कोशिश करेंगे कि अजान में जो हुस्न पैदा करने के जितने भी अजजाए तरकीबी हैं सबको मलहूज रखते हुए आप ऐसी अजान देंगे इंशाअल्लाह कि उसको याद रखा जाए। राइट भाई, थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए ना, मुकाबले के लिए आए। ARYQTV के सेट पे आप खड़े हैं और माशाल्लाह जो आपकी उम्र है नजर आना चाहिए कि कॉन्फिडेंट बा एतमाद हमारा कोई पार्टिसिपेंट खड़ा है और इंशाल्लाह उसने अपनी पूरी एतमाद के साथ कॉन्फिडेंस के साथ अजान देनी है। यही एक्सपेक्ट करें हम आपसे इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। और हस्बे मामूल हस्बे रिवायत आसमाने नाक के तीन ताबिंदा सितारे बहैसियत मुनसिफीन पहले दिन से हमारे साथ शरीक सफर हैं। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं कारी उल कुर्रा फखरे पाकिस्तान कारी वही जफर कासमी का सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकअल्लाह कारी साहब, खैर मकदम आपका। और आप ही के साथ तशरीफ फरमा अलहाज मोहम्मद आमिर फैयादी साहब क़िबला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपने तीसरे मुनसिफ को भी बहुत जल्द। आप दोनों की इजाजत से अब बिला ताखिर मैं चाहता हूँ कि मुकाबले का आगाज किया जाए। आज के जो पहले कंटेस्टेंट है मुकाबले हुस्न अजान के मोहम्मद शहजाद से मुल्तमिस हूं। आपका वक्त शुरू होगा, आपने तीन मिनट के अंदर, तीनों को ये रूल पता है कि वक्त मुकर्ररा तीन मिनट है, उसके अंदर अंदर अपनी अजान मुकम्मल करनी है। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله
حي माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि आपने घड़ी रखकर माशाल्लाह आपने तैयारी की है, परफेक्ट टाइम पर पूरा किया माशाल्लाह। सेकंड कंटेस्टेंट ऑफ द डे मोहम्मद मारिक अमजद, सेकंड कंटेस्टेंट आज के मुकाबले हुस्ने अदान के। बेटा आपका वक्त शुरू होता है अब। बेहतर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अलफला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, ऑलमोस्ट परफेक्ट। आपने भी तकरीबन वक्त पर मुकम्मल की, बस थोड़ा सा वक्त ज्यादा, चंद सेकंड ज्यादा लगे। बहरहाल मैं तो जैसे ऑडियंस होती है कारी साहब हमारी, और बैठ के घर में जज कर रहे होते हैं, इसने ऐसा पढ़ा, इसने ऐसा, मैं भी उनमें से ही शामिल हूँ, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन यकीनन आप लोगों का होगा और फैसला। दोनों अजाने बहरहाल बहुत अच्छी दी गई अभी तक मेरे हिसाब से, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन और हतमी राय हमारे जजेस करेंगे। तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट आज के मुकाबले हुस्ने अजान के हाफिज मोहम्मद इरफान सियालवी, और आपका वक्त शुरू होता है अब। الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي माशाल्लाह नाज़रीन, इस प्रोग्राम को, इस मुकाबले हुस्ने अज़ान को आप रस्म दुनिया ही समझें, मकसद तो रूहे बिलाली को जिंदा करना है। बहुत खूबसूरत अंदाज से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का मुकाबला है भी बहुत टफ, लेकिन कैसा रहा यह मुकाबला, हमारे जजिस क्या कहते हैं, कौन आज जीतता है इस मुकाबले में, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाज़रीन। मुलाहिज़ा की आपने, मुकाबला हुस्ने अज़ान, और तीनों ही हमारे कंटेस्टेंट्स ने, तीनों नौजवानों ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी तमाम तर वो सलाहियतें पेश कर सकें जो किसी भी अजान में हुस्न पैदा करती हैं। लेकिन आखिर कौन सा ऐसा नौजवान है जो सबसे ज्यादा हमारे जजिस मुनसिफीन को मुतासिर करने में कामयाब हुआ? चलते हैं कारी वही जफर कासमी की तरफ। सर, क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह, तीनों ने अजाने दी हैं और तीनों को ये सआदत नसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो पहले हैं पार्टिसिपेंट, मोहम्मद शहजाद जी, शहजाद ने अजान तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन मुझे इनके फोर्स से भी दी है, लेकिन इनकी आवाज़ में मुझे खराश भी महसूस हुई, ठीक, और साथ में ये कि कुछ अल्फाज इन्होंने सही भी अदा नहीं किए, ठीक। बहरहाल अजान देना भी एक बड़ी सआदत है, और दूसरा जो हमारी गलतियां रही हैं शहजाद के पास, फिर वो अदायगी में भी, अदाई जो है ना खारिज वगैरह में कमजोरी है, फिर ऊपर जब ये जा रहे थे ना हय्याल, उसमें भी ये डिस्टर्ब नजर आए, ठीक ठीक। मोहम्मद मारिज अमजद के लिए मैं कहूँगा कि अजान तो इन्होंने बहुत अच्छी दी है, ठीक, लेकिन उसमें फोर्स की कमी लगी। अच्छा, हाँ, फोर्स की कमी लगी, शायद कोशिश कर रहे थे कारी साहब, ये एनर्जी बहुत ज्यादा इनकी काम रही, अगर यही अजान ये फोर्स के साथ देते, यकीन मानिए कि इन्होंने मुकम्मल अच्छे अंदाज से अजान दिए, तलफ्फुज़ भी इनका अच्छा था, लेकिन बस वो जो एक जो आवाज में कैफियत होनी चाहिए ना, वो इम्पैक्ट कायम नहीं कर पाई है। सारे स्विच मारे, आमिर भाई कह रहे हैं सारे स्विचेस आपने ऑन कर लिए, एनर्जी वाला स्विच रह गया था, जगहें आपने सारी गई हैं, अगर वो भी ऑन कर लेते तो शायद एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा लेते लेवल, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट बनता। और इनको मैं ये भी कहूंगा कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले रा पे पेश है, तो आप ठीक है। हाफिज मोहम्मद इरफान से, अच्छा, हाफिज मोहम्मद इरफान साहब जो है इन्होंने बड़ी खूबसूरत अजान दी है और सारी रिक्वायरमेंट पूरी की माशाल्लाह, आवाज़ भी इनकी प्यारी और अजान देने का अंदाज भी बड़ा प्यारा, ठीक, फोर्स भी थी उसमें और एक बड़ा खूबसूरत एक तासुर भी था उसमें। मेरे ये लहजा जो है बहुत कम सुनने में आता है जो इरफान ने अभी पेश किया है, ठीक, तो ये मकसद मुंजमद लहजा कहलाता है, सही, इसमें बहुत से यानी कि लहजे शामिल हैं इस अजान के अंदर जो कि
इरफान ने दिए हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट कायम किया है, माशाल्लाह है, बहुत अच्छी जहद है। उम्मीद है इस इम्पैक्ट को आप मेंटेन भी करेंगे और आने वाले जो राउंड्स हैं उसमें आप और ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। तो जजेस के जो तासुरात हैं, जो कमेंट्स हैं, पता तो चल गया होगा नाज़रीन, आज के इस मुकाबले हुस्न अज़ान के जो विनर हैं हाफिज मोहम्मद इरफान सियालवी, बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग इवेंट्स, और आप दोनों को भी बहुत मुबारक, आगे चल के इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और मजीद तरक्कियां और उरूज आपको अता करेगा। सैलानी मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे इन कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे, कौसर मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे इन कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे, और फूड बस्ती की जानिब से भी गिफ्ट हमारे इन बच्चों के हमारे के साथ जाएंगे, नौजवानों के साथ जाएंगे। और नाज़रीन जाते जाते इस सेगमेंट से बस यही गुजारिश है, आप तीनों का मुनसिफिन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकअल्लाह सोना यूसुफ यू, और आप ही की मौजूदगी इस पूरे सेट की इस सेगमेंट की रौनक है। नाज़रीन अपने मेज़बान सुमैर अहमद को इजाज़त दीजिए, बज़्मे उलमा मेरे और आपके पसंदीदा होस्ट सैयद सलमान गुल नूरानी सजाएंगे, और उसमें आपके सवाल शामिल होंगे, जैयद उलमा इकराम आपके सवाल के देंगे जवाब। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त के हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शहन शहे दो जहां मोहम्मद, इधर मोहम्मद उधर मोहम्मद, यहां मोहम्मद वहां मोहम्मद, फलक पे असरा की शब ये गुल था, हर एक फरिश्ता ये कह रहा था, वो मेरी मस्जिद वो मेरा माबद, कदम रखेंगे जहां मोहम्मद, यही है तफसीर कुंतु कंजन, उन्हीं के रुख से है माह रोशन, कहां अजिन्ना कहां मलाइक कहां बशर और कहां मोहम्मद। दीजिए इजाजत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।